तो गाइस आज का इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि एसओएल यानी सोलाना कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन ये इन 2022। इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ पर, जैसे कि मार्केट में पंप आने वाला है, बिग पंप आने वाला है। जैसे कि आप लोग टाइटल देखिए, आप लोगों को पता चल गया है कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन और इसमें आपका बिग पंप देखने को मिलेगा। तो आप लोग को मैं प्राइस प्रेडिक्शन जो बताऊंगा बहुत सारा जो मार्केट कैप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग व्यू ये सब जगह में ले जाकर आप लोग को बताता है, ठीक है, कोई बात नहीं हो, वो भी अच्छा है। लेकिन आप लोग को मैं मोबाइल स्क्रीन में लेके जाकर बताऊंगा जो कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल हूँ। आप लोग भी ये मोबाइल स्क्रीन में जाकर पैटर्न एनालिसिस कर सकता है, क्योंकि काफी दिन क्या होता है कि लैपटॉप में हम लोग के साथ नहीं रहता है, मोबाइल ज्यादा से ज्यादा रहता है, इसीलिए मोबाइल काफी कंफर्टेबल है। इसीलिए आप लोग को मैं मोबाइल में दिखाना चाहता हूँ। तो मोबाइल में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जो प्राइस एनालिसिस करके आप लोग को मैं बताऊंगा वो कॉइन डीसीएक्स में आप लोग को बताऊंगा। चाहे तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एनालिसिस करने के लिए मोबाइल से कॉइन डीसीएक्स बेहतर है, आप लोग चाहे तो उसको इंस्टॉल कर सकता है। उसका जो रेफरल लिंक है वो मैं आपको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, करके डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें आप लोगों को फ्री कुछ इथेरियम मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते स्टार्ट। और गाइस हाँ, मेरा नाम जानी, मेरा नाम सिंधु, आप देख रहे टेक्निकल। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे शानदार हेल्पफुल कंटेंट इन फ्यूचर के लिए आप लोगों को मिलते रहेगा। तो गाइस बेसिकली ये सोलाना जो है इसका मार्केट कैप अभी अगर दिखा जाए तो इसका मार्केट कैप है 210,123 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा जाए तो ये है 32 करोड़ का इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी सोल का। और इसका अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखा जाए तो अभी इसका 51% बाइंग चल रहा है और 49% इसका सेलिंग चल रहा है। तो बेसिकली ये सोलाना क्या होता है कि ना, सोलाना इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कंबाइंड विद प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस ऑन द ब्लॉकचेन। ये बेसिकली ब्लॉकचेन में काम करता है और ये बेसिकली इथेरियम का किलर बोला जाता है इसको, ठीक है। इट इंटेंड्स टू फैसिलिट द क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन अराउंड डेफी। सोलाना क्लेम्स टू बी एबल टू सपोर्ट 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड विदाउट सैक्रिफाइसिंग डिसेंट्रलाइज्ड विद अ ब्लॉक टाइम ऑफ 400 ms। तो ये बेसिकली एक नेटिव टोकन है जो नेटवर्क में स्टेकिंग के हिसाब से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज पे ये है, जैसा कि ये आपका डीसे कॉइन डीसे में, वाइजरेक्स में है, कॉइनस्विच कुबेर में है, हुबेई ग्लोबल में है, बहुत सारे बाइनांस में, बहुत सारा और भी एक्सचेंज में ये है, लिस्टेड है। ओके, तो चलिए आप लोगों को मैं प्राइस प्रेडिक्शन करके आप लोगों को मैं बताता हूँ, कॉइन डीसेक्स में बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ प्राइस में और यहाँ पर लिख लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ लिखता हूँ एसओएल सोलाना बोल के। तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है भाई, देख लीजिए 699.744 इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आप लोग चाहते हैं प्राइस अलर्ट भी कर सकते हैं, व्यू प्राइस में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसे कुछ दिखा रहा है, देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले चला जाएंगे कैंडलस्टिक में। कैंडलस्टिक में यहाँ पर देखिए, कैंडलस्टिक में जैसे चला गया तो कैंडलस्टिक में जाने के बाद यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाता है और थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर दिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखाएगा जितना सारा हाई गया था, लो गया था, सारे कुछ चीज आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो इसको आपको सिंपली इधर में घुमा लेना है और घुमाने के बाद देखिए ऐसे ही कुछ इसका इंटरफेस दिखाने वाला है इसको। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको आप वन डे करिए, वन डे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर वन डे में देखिए, वन डे में हाई गया था, तो अभी चाहे तो आप इसमें इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। देखिए एफएक्स इंडिकेटर भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर जो बोलिंगर बैंड्स है, बोलिंगर बैंड्स दे सकते हैं, बोलिंगर बैंड भी काफी अच्छा है। बोलिंगर बैंड्स ये देखिए, बोलिंगर बैंड्स है ये, ठीक है। ये मैं एक्चुअली बोलिंगर बैंड्स यूज करता हूँ। ओके, तो चलिए बोलिंगर बैंड्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से पता चले। ये थोड़ा बहुत कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली ये बोलिंगर बैंड जो होता है ना गाइस, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से थोड़ा बहुत देखिएगा। अभी अगर मैं इसका अगर वन डे का चार्ट देखूँ तो वन डे का अगर देखूँ तो देखिए वन डे में जो इसका जो ग्राफ है बोलिंगर बैंड में जो आया हूँ मैं, यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ है देखिए, वन डे में ये लो गया था 6648.67 और हाई गया था 7200। सो यहाँ पर देखिए कैसे ये मूव आउट हुआ था, कैसे देखिए, अभी मैं बोलिंगर बैंड्स में हूँ तो यहाँ पर देखिए अभी करीब बज रहा है, एक बज रहा है। तो यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में जो है एकदम ही लेटेस्ट है और इधर में जो है ये एकदम मतलब पास्ट होके आ रहा है, मतलब कल से ही होके आ रहा है, कल 3 बजे से ही होके आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर डाउन था, मार्केट डाउन था, डाउन से होके ये होके अप में गया था, ठीक है ना। मतलब ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड हुआ। देखिए मूव क्या है, कैसे मूव कर रहा है, देखिए डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड होने के बाद देखिए साइड वेव हो गया, साइड वेव देखिए, ये पूरा एकदम साइड वेव हो गया, ये पूरा साइड वेव चलते रहा, थोड़ा बहुत अप में चला गया फिर से, और अप में जाने के बाद फिर से देखिए ये एकदम साइड वेव ले लिया। ये बोलिंगर बैंड का यही मतलब अच्छी चीज है, ये आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मतलब एकदम ही ऊपर जा रहा है, एकदम ही डाउन जा रहा है और ये साइड वेव में जा रहा है, ठीक है ना।
तो अभी देखिए ये जो बेसिकली है यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको ब्रेकआउट लेवल सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक ट्रेडर है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक चीज सबसे पहले इस्तेमाल मतलब यूज करना चाहिए, मतलब वो सबसे मेन चीज है भाई। कोई भी चीज कर लो, मेन चीज सबसे वही है, वही उसी से आप लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं जो है ब्रेकआउट लेवल। तो अभी अगर आप लोगों को मैं सवाल पूछूं कि ये भाई यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल कौन सा अमाउंट में ब्रेकआउट लेवल आप देख सकते हैं, तो बुलिंगर ब्रांड आपको बता देगा कि कौन सा ब्रेकआउट लेवल आपका है। देखिए यहाँ पर देखिए आप देख के पता कर सकते हैं कि 7005.51 ये होगा आपका ब्रेकआउट लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 7005.51 है यहाँ पर पूरा कि ये साइड वेव हो गया है। देखिए हर टाइम ये साइड में जा रहा था, पहले से ही जा रहा था, तो ये 7005.51 हो गया, ये आपका ब्रेकआउट लेवल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी तो ये वन डे में किया था, तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसको जैसे ब्रेक करके जब नीचे आएंगे तो देखिए अभी 7005 में है, ये 7005 कर जैसे डाउन जाएगा तो हो सके कि ये फिर से 6648 और 6700 में चला जाए, ठीक है। अगर हम लोग इसको 7 डे में देखे, 7 डे का देखे दिखा जाए, तो 7 डे में देखिए 1 डे में ये हाई गया था 7200 और 7 डे में भी ये सेम हाई गया था, ठीक है ना, ऑल टाइम हाई गया था। और देखिए 7 डे में ये लो, ऑल टाइम लो गया था 7 डे में 6207। अगर 1 मंथ का देखा जाए, 1 मंथ में देखा जाए तो 5950 ऑल टाइम लो गया था और हाई गया था 9555 हाई गया था। और 3 महीने में अगर देखा जाए, देखिए 3 महीने में बहुत ज़्यादा भाई हाई बना दिया था, कमाल का हाई बना दिया था भाई, 19140 ये ऑल टाइम हाई बना दिया था भाई। अब सोच के भी हैरान हो जाओगे भाई, 19140 ये ऑल टाइम का हाई बना दिया था भाई, और ये ऑल टाइम लो बनाया था 5950 ये ऑल टाइम लो बनाया था, जो कि 1 मंथ का जो दिखा जाए, 1 मंथ और 3 मंथ का दोनों का ही सेम है भाई, दोनों का ही सेम है। और ऑल टाइम अगर 1 ईयर का देखा जाए तो 5175 ये ऑल टाइम ये 1 ईयर का है, और 20,000 ये पूरा से पूरा टोटल 1 ईयर का देखा जाए तो 20,810 यानी 21,000 का ये ऑल टाइम हाई बनाया था। सो और अभी आप देख के भी आप मतलब देख ही रहा है या पर सोच ही रहा है कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका, ये 7,005 चल रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई गया था 21,000 ऑल टाइम हाई गया था, तो ये 1 ईयर के अंदर भी ये हो सके कि 15,000 भी आप कर जाए। तो अगर इसका प्राइस प्रेडिक्शन देखा जाए तो ऑल टाइम हाई बनाया था 20,000, तो हो सके कि इस बार जो है, देखिए बोलिंगर ब्रांड्स कैसे 3 मंथ में कैसे ये मूव कर रहा है। देखिए ये कहाँ पर था बोलिंगर ब्रांड्स, यहाँ पर देखिए 16 में था, ठीक है ना, 16 में रह के देखिए आप अप टू डाउन हो रहा है, ठीक है ना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड में जा रहा है, देखिए डाउनवर्ड में जाके जाके एकदम 7,000 में ठीक चला गया। तो अभी यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जैसे कि 3 महीने के चार्ट में मैं देख रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, डाउन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर यानी कमिंग 3 मंथ्स में ये जो 7017 में था ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड में जाएगा, यानी ये 7,000 का जो है 7,000 से लेके 8,000, 9,000, 10,000, 11, 14, 15 ऐसा करके ऊपर में जाने वाला है भाई, नीचे आने वाला है ही नहीं। अभी आपको मीन्स अभी आपको मन में ये सवाल आएगा कैसे आप बता कर दिया कि नीचे आएगा, देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जितना लोग ज्यादा से ज्यादा बाई करेगा तो क्या होगा, इसका जो प्राइस लेवल है भाई हाई होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप में और भी बहुत सारे जो ये सोल को जैसे ही बाई कर लेगा, जितना ज्यादा जल्दी बाई करके होल्ड कर किसी पर से होल्ड करके रखेगा तो इसका प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो अभी 1 मंथ का अगर देखा जाए तो 1 मंथ में देखिए 1 मंथ में भी इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो ये क्या हुआ था, ये अप में जाने के बाद साइड वेव होने के बाद फिर ये डाउन चला गया था। 7 डे का बात करूँ तो 7 डे में देखिए 7 डे का हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हुआ था, ये भाई 6400 से वो अब डाउन होके आप में चला गया था। तो अभी इन फ्यूचर के लिए अगर हम लोग इसका प्राइस प्रेडिक्शन करें तो भाई ये करीब का और करीब, अगर इसको आप लोग होल्ड करके अभी अगर इसको अगर आप 7009 चल रहा है इसी प्राइस में अगर आप इसको बाय करते हैं तो भाई ये आपको 2x रिटर्न डेफिनेटली दे सकता है। 2x रिटर्न इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप ये 7000 में बाय कर रहे हैं तो ये 14000 हो जाएगा, यानी आपका पैसा जो है दुगुना हो जाएगा, ठीक है, 14,000, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई बनाया था 21,000। तो हो सके कि इस बार मतलब इस साल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पैसा लगाता है तो ये 21,000 भी क्रॉस कर जा सकता है भाई, डेफिनेटली ये 21,000 क्रॉस कर जा सकता है। लेकिन आप लोगों को मैं बोलूँगा ये जो क्रॉस कर जा सकता तो है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली होगा तो ये मैक्सिमम और मैक्सिमम तो 14,000 में आएगा ही आएगा, ये एकदम डैम श्योर है भाई, आप लोग थोड़ा बहुत नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इस प्राइस में आपको अभी बाई करना चाहिए, 47,000 में आपको बाई कर लेना ही चाहिए, और 7,000 से अगर ब्रेकआउट करके भी ब्रेकआउट जोन है ब्रेकआउट करके एकदम नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो डेफिनेटली जिस अमाउंट में आ रहा है, मान लीजिए 6,700, 800 और 500 ऐसा करके आ रहा है, तो जिस अमाउंट में आ रहा है, जिस अमाउंट में आके
मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसा करके रह रहे तो उसी प्राइस में आप लोग बाय कर लीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 7000 का नीचे जो प्राइस में आ रहा है उसी प्राइस में आप लोग तुरंत ही बाय कर लीजिए, क्योंकि हो सके कि वो एक ही दिन के अंदर वो मान लीजिए 6800 में आ गया, तो हो सके कि एक ही दिन के अंदर वो चला जाएगा 7500 में। कोई गारंटी नहीं है इस क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि ये हाई वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बोलूंगा कि और अगर आप लोग चाहे तो ये 7000 का जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग 2-3 लाख रुपया ऐसा करके इन्वेस्ट करें और भी ज्यादा इन्वेस्ट करें तो भाई आपका यहाँ पर 2x गुना रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन भाई आप लोगों में जो भी कहना कहलाता हूँ वो भी पूरा के पूरा गाइस मेरा पास विश्वास करके आप लोग पैसा हार्ड एंड मनी जो है उसको इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं हूँ कि मैं आप लोग को जो सलाह दे रहा हूँ जस्ट फॉर कंसेप्चुअल पर्पज के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, इंटरनली कोई दिक्कत होगा तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चाहे तो मेरे को अगर आप लोग चाहे तो मेरे को ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर का जो आईडी है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं जो डेफिनेटली आप लोग को मैसेज के जवाब दूंगा। तो यही है, आप लोग को मैं पहले ही बता देता हूँ कि अभी ये जो है यहाँ पर आप लोग जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इसको आपको चिपस वगैरह आप लोग 2x 3x रिटर्न चाहिए आप लोग को, तो 1 साल के लिए मिनिमम 1 साल के लिए और 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए आपको तो होल्ड करके रखना ही चाहिए अगर आपको 2x रिटर्न चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बताया था कि ये मैक्सिमम 14,000 करीब तो जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली ऐसी, लेकिन 21,000 क्रॉस करेगा कि नहीं ये थोड़ा बहुत लाख के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरा के पूरे ये सब जो है पूरा प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये प्रेडिक्शन जो मेरा मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली ये 21,000 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अच्छी खासा है, मार्केट कैप भी अच्छी खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ा बात है कि इधर ये किलर है। तो भाई डेफिनेटली ये आपको शानदार बूम देने वाला है, आप लोग चाहे तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉइन है काफी अच्छा कॉइन है, काफी स्टेबल कॉइन है। आप लोगों को मैं जो भी कॉइन लेके आता हूँ, जो भी कॉइन आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, काफी स्टेबल होता है, काफी अच्छा कॉइन होता है, इसीलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ। ऐसा कोई उन्नू चुनू टाइप का कॉइन में आप लोगों को नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं ऐसा कोई छोटा मोटा कॉइन आप लोगों को नहीं बोलता हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं बोलूंगा, बार बार से बोल रहा हूँ कि इसी टाइप आपको इन्वेस्ट करने का टाइम है तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सबको एक नया वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।